Moving to the next bit, I'm discussing the impact of credit on financial statements. ठीक है, वही सेम फुटवेयर बिजनेस। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही कहा था, 10,000 रुपए लगा के धंधा स्टार्ट किया। इवन इन दिस केस आई हैव 10,000 रुपीज इन्वेस्टेड ऑफ माय ओन, ऑल दिस इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, आई एम सेइंग ड्यूरिंग द ईयर व्हाट हैपेंड वाज दैट आई मेड परचेजेस ऑफ 10,000, ड्यूरिंग द ईयर आई मेड सेल्स ऑफ ₹12,000। बट बिकॉज अब मुझे धंधा करते हुए कुछ साल हो चुके हैं, या बिकॉज माई डैड बिलोंग्स टू दिस इंडस्ट्री, तो उस वजह से पीपल आर रेडी टू ऑफर मी गुड्स ऑन क्रेडिट। तो मैंने इस साल के दौरान क्या किया है, मैंने 8,000 रुपए की परचेजेस कैश में की थी और 2,000 रुपए की परचेजेस मैंने क्रेडिट पे की थी। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। तो द ओनली चेंज इज दिस बिट, परचेजेस आर 10,000 बट 8,000 इज कैश परचेज, 2,000 इज क्रेडिट परचेज, सेल्स इज स्टिल 12,000 ऑल इन कैश, क्रेडिट में कोई भी सेल्स नहीं किए। मैंने कहा भाई मैं धंधा अपना इस तरीके से चलाना चाहता हूँ कि मैं कभी उधार नहीं दूंगा, उधार ले लूंगा उसमें कोई तकलीफ नहीं है मुझे। ठीक है, सो 12,000 ऑल सेल्स इज इन कैश बट 2,000 रुपीज का परचेज इज इन क्रेडिट। सो दिस इज द बिट दैट यू नीड टू मैनेज। टेल मी हाउ विल द बैलेंस शीट ऑन 31st of December लुक लाइक। मैं कुछ क्वेश्चंस भी बोल देता हूँ साथ साथ में, यू नीड टू फाइंड ऑल दीज थिंग्स। पहला बैलेंस शीट बनाओ, दूसरा मुझे बताओ एनुअल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कितना हुआ है, तीसरा मुझे बताओ क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है, चौथा क्लोजिंग इक्विटी कितनी है। डू ऑल दिस। हो गया डन, देखना एक बार। अब मैं हर चीज को ना इक्विटी में ऐड नहीं करूंगा, ये जो बात के जो एडिशंस है ना ये मुझे बहुत पेन देते हैं, वहां गंदा गंदा दिखने लगता है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या एक्सप्लेन किया था, दैट वी ड्रॉ आवर P&L स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी डोंट हैव टू डू ऑल दिस कचरा। सो एवरी एडिशन डिलीशन वॉट एवर इज रिक्वायर्ड आई डू इट सेपरेटली। मैं लिख रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट, आपको देखना चाहिए ये एक्सटेंशन ऑफ इक्विटी है, कि सिर्फ इक्विटी का कमाया हुआ पैसा अलग से लिख रहा हूँ कि वहां पर जाके गंद भला ना हो। हाँ या ना सर, आप बोलते कैसे हो, एक तो एकदम देसी तरीके से। ठीक है, वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज प्लेन एंड सिंपल। ओवर हेयर वॉट आई वॉज डूइंग वॉज आई वॉज डूइंग एवरी बिट ऑफ कैलकुलेशन ओवर हेयर। आई डोंट लाइक ऑल दिस बिकॉज दिस बिकम्स टू मर्की। तो इन प्लेन सिंपल टर्म्स आई विल क्रिएट अ सेपरेट, व्हाट यू कॉल, आई कैलकुलेट इट सेपरेटली, दैट्स इट। ठीक है ना, देखना एक बार, दिस हाउ आई स्टार्टेड। सो कैश स्टार्टेड विथ 10K, इन्वेंट्री वॉज, देयर इज नो इन्वेंट्री, ओके जीरो, इक्विटी वॉज 10K, दिस वॉज माई इन्वेस्टेड कैपिटल, करेक्ट। क्या 10K थी भाई, वही लिखा है। कुछ नहीं होता, वो पहले 7 लिखा था वो हो गया होगा। ठीक है, 10K 10K दोनों। ठीक है ना, इस साल में क्या हुआ है, 10,000 की परचेज हुई है, 12,000 की सेल हुई है, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट 2,000 का, ये पक्का है। अब मैं मुझे आइडियली +12 सॉरी -10 +12 यहां करना चाहिए, लेकिन ये अच्छा नहीं दिखता, इस वजह से मैं एक इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर ले रहा हूं। इनकम स्टेटमेंट दिख कैसे रही है, सेल्स लेस परचेजेस। एक एक करके चलते हैं, मैंने 10,000 रुपए की परचेज की है, यस नो, मैंने 10,000 की परचेज की है, मैंने 10,000 रुपए यहां से माइनस कर दिया, मैंने 10,000 की परचेज की है, मुझे यहां 10,000 माइनस करना चाहिए, बट दिस 10,000 इज नॉट इन कैश, मैं यहां से वही माइनस करूंगा जितनी कैश में परचेज है, बोलो हाँ या ना। तो ये है 8,000, माइनस किया क्यों, ये था ओपनिंग बैलेंस, ये है कैश परचेज, बाकी 2,000 की क्या है, क्रेडिट परचेज। क्या करूंगा 2,000 की क्रेडिट परचेज का, बाकी 2,000 की क्रेडिट परचेज का क्या करना चाहिए, अभी लाइबिलिटी वर्ड पता ही नहीं क्या होता। हाँ क्या हो गया, कैश परचेज 8 माइनस कर दिया, एक एक करके चलते हैं। चलो इनफैक्ट परचेजेस में मैंने बोला ऐसा, यार
वन नोट भी ना बदतमीजी है। ये कैश है 8, कैश परचेज हो गई 8,000। अब क्रेडिट परचेज खर्चा है या नहीं है? क्रेडिट परचेज भी खर्चा है या नहीं है? यस क्रेडिट परचेज भी खर्चा है। क्यों? बैंक को लोन का इंटरेस्ट नहीं दिया था तो भी क्या खर्चा था? हाँ, हमने खर्च दिया, अभी पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ? देने तो पड़ेंगे, आगे आपकी जेब में अभी पैसे नहीं, आप यहां से निकले, हाँ यार चल पीवीआर प्लाजा में मूवी देखते हैं, भाई ने दे दिया, मतलब दोस्त ने दे दिया साथ में, वहां खर्च हो गए 1,000 रुपए। आप नहीं बोल सकते ये मरा है, 500 रुपए लेगा वो आपसे। दिस इज जस्ट नॉट पेड येट, बट इट इज योर एक्सपेंस ओनली, ठीक है ना? तो ये क्रेडिट 2,000 रुपए, क्या ये खर्चा है या नहीं? दिस इज इंडीड खर्चा, हाँ या ना? अब आपने इसे खर्चा ट्रीट किया, मैं लिख रहा हूं यहां पे, आपका दिमाग आपको ये बताना चाहिए कि मैं लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज प्रैक्टिकली -8 -2। क्यों? बिकॉज दिस इज कैश परचेज, दिस इज क्रेडिट परचेज, दोनों के दोनों एक्सपेंस हैं, एक्सपेंस हैं तो इक्विटी से माइनस होंगे, हाँ या ना? यस सर अब एक बात बताओ, ये 2,000 रुपए का क्रेडिट परचेज हो गया, अब इसे और कहाँ लिखें? क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि सर बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, नहीं ये रीजन नहीं है, इट्स प्लेन एंड सिंपल, 2,000 रुपीज यू हैव एक्सपेंस, आपने खर्चा कर दिया तो आपने इक्विटी से माइनस किया, क्या ये 2,000 रुपए आगे पे करने पड़ेंगे? है ना? एक सेकेंड इसे यहीं पर ही पॉज करो। कोटक बैंक की इस 3,000 रुपए की इंटरप्रिटेशन बोलना, ये डेट 3,000 रुपए की इंटरप्रिटेशन बोलना। कोटक बैंक ने आपको 3,000 रुपए कैश दिए हैं, आपको फ्यूचर ईयर्स में रीपे करना है, इस वजह से दूसरे अगर मैं टर्म से बोलूं तो ये क्या है सारा का सारा, दिस इज सोर्स ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ फंड्स। आपने धंधा स्टार्ट किया, कितने पैसे लगे हुए हैं आपके धंधे में टोटल? 10,000, 7,000 टोटल फंड्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज 10,000, 7,000 इन्वेस्टेड बाय यू, 3,000 इन्वेस्टेड बाय बैंक। एक बार यहां पे आओ, यहां क्या होगा, मान लो जिस पर्सन ने मुझे ये 2,000 रुपए का क्रेडिट मतलब जिस फैक्ट्री ने मुझे 2,000 रुपए का उधार दिया है, दैट फैक्ट्री इज एडिडास, 2,000 रुपए। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास मेरे बिजनेस में टोटल फंड्स इन्वेस्टेड कितने हैं? 10,000 रुपए मैंने लगाए थे, 10,000 रुपए मैंने लगाए थे, ठीक है, 8,000 का माल ले लिया, तो फंड्स में से 8,000 खत्म, बिजनेस इसमें 8,000 आ गए, मतलब परचेज आ गई 8,000 की, हाँ या ना? अब 2,000 रुपए का मुझे एडिडास क्रेडिट दे रहा है, मतलब एडिडास मुझे माल दे रहा है कि तू बेच ले, सो एडिडास इज गिविंग मी स्टॉक बट नॉट टेकिंग कैश कैश फ्रॉम मी, तो ही इज इन्वेस्टिंग इन माई बिजनेस, ही इज एज गुड एज कोटक फॉर मी। कोटक और इसमें क्या फर्क है? कोटक ने बोला कैश ले ले 3,000, एडिडास ने बोला कैश नहीं देता, सामान ले ले 2,000 का, बेच दियो 3,000 में, उसने भी एडिशन तो किया ही है ना मेरे धंधे में, हाँ या ना? तो क्या ये सोर्स में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, ही इज इन्वेस्टर इन माई बिजनेस, मेरे बिजनेस में इन्वेस्टर कौन कौन है? एक मैं, दूसरा एडिडास, हाँ या ना? इज जस्ट दैट उसने कैश नहीं डाला, उसने क्या डाल दिया? स्टॉक। आप इसे किस नाम से जानते हो? आप जानते हो इसे अकाउंट्स पेबल या ट्रेड पेबल नाम से, इफ यू कंसिडर द यूएस वे ऑफ स्टडिंग, इफ यू कंसिडर द टीएस गरेवाल इंडियन वे ऑफ स्टडिंग, दिस इज कॉल्ड आपका अपना क्रेडिटर, हाँ या ना? अगर आप टीएस गरेवाल याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे एंट्री क्या बनती? परचेज टू एडिडास, वो डलती, लेकिन हम एंट्री एंट्री की बात नहीं करेंगे, मेरे को डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट वो सब नहीं आता है मेरे को, हम इसकी बात कर लेंगे जो यहाँ पे। कुल मिला के मैंने किया क्या, देखो ये जो क्रेडिट परचेज, जो कैश परचेज है उसका क्या ट्रीटमेंट है, कैश परचेज इज एन एक्सपेंस, यस नो? कैश परचेज इज एन एक्सपेंस, यस नो? यस क्रेडिट परचेज इज एन एक्सपेंस, यस नो? तो यस दोनों का दोनों किससे माइनस होगा, इक्विटी से, या फिर इनकम स्टेटमेंट में खर्चे की तरह दोनों का दोनों जाएगा, 10,000 का खर्चा, हाँ या ना? नेक्स्ट, 8,000 रुपए का कैश दिया तो कैश से माइनस, 2,000 रुपए आगे पे करोगे तो उसने तुम्हारे बिजनेस को फंड दिया है, इस वजह से वो सोर्सेज में आना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे प्लस।
आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? यस सर एक सेकंड रुको, एक क्वेरी में से पहले पूछी गई थी, मैं स्किप कर गया था वो आंसर करना, वो भी अभी बोल देता हूँ। मुझे कैंडिडेट ने कहा था ये जो इंटरेस्ट, ये चलो ठीक है, इसको अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करके कर दूंगा, नहीं तो बीच में मतलब ये वीडियो खराब हो जाएगा। लेट्स स्टिक टू डिस्कसिंग क्रेडिट इन दिस वीडियो। आर वी गुड टिल दिस पॉइंट? कैश पोर्शन ऑफ परचेजेस का क्या ट्रीटमेंट हुआ है? कैश से माइनस और इक्विटी से माइनस। इक्विटी से माइनस किया क्योंकि खर्चा है, कैश से माइनस किया क्योंकि कैश पे आउट किए। क्रेडिट परचेजेस का क्या ट्रीटमेंट हुआ है? इक्विटी से माइनस क्योंकि खर्चा है, और क्योंकि अभी रीपे नहीं किया तो अकाउंट्स पेबल आ जाएगा, ऐड हो जाएगा 2000 का, हाँ या ना? ओके okay. सेल हुआ है 12000 का, इसका क्या करेंगे? सेल इज 12000, सेल इज 12000, क्या करेंगे? प्लस 12 के कैश सेल्स। ठीक है, यहां पे मैं कर देता इनकम इज इक्वल टू प्लस 12 कैश सेल्स, हाँ या ना? ठीक है ना। अब मैं जो बनाना नहीं चाह रहा था बट मैंने मजबूरी में फाइनली बना ही दिया था, वो ये वाला पोर्शन था। मैं बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बनाना चाहता था, मैं इसे सेपरेटली यहाँ लेके चला गया एंड आई से ओके। दिस इज हाउ माई बैलेंस शीट वुड, सॉरी दिस इज हाउ माई इनकम स्टेटमेंट वुड लुक लाइक। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट ही तो हुआ, ये इनकम स्टेटमेंट ही है ना, इनकम और एक्सपेंस दोनों लिख लिए। नेट नेट में प्रॉफिट कितना है, हाँ या ना? इसी को अगर मैं थोड़ा रिवैम्प करके स्टाइलिश वे में लिखता तो मैं लिखता पहले सेल्स लिख 12 की, लेस परचेज लिख 10 की, प्रॉफिट लिख 2 का, हाँ या ना? और जो आप लोग टीएस गरीवाल में लिखते थे ट्रांसफर टू इक्विटी, तो ये आ गया प्लस 2। आउटर कॉलम में 12, यहाँ पे क्रेडिटर्स आ रहे हैं 2 के, तो टोटल हो गया 14000। ओवर हेयर दिस इज 10 माइनस दिस प्लस दिस 14 के, हाँ या ना? आर वी गुड टिल दिस पॉइंट? ओके सर, बहुत इजी चल रहा है, चलो तो अभी आएगा थोड़ी देर में मजा। ये एज इट इज सेम क्वेश्चन, ओवर हेयर एक बार इसके आंसर लिख लेता हूँ। ये बैलेंस शीट मैंने नीचे ड्रॉ कर दी है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 2000, क्या मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए पूरा ड्रॉ करने की जरूरत थी? नहीं, ये 2000 का प्रॉफिट कैसे आ गया था बताना, 12 माइनस 10 से ही निकाल सकता था मैं, 12 माइनस 10 वॉज गुड इनफ टू गिव मी दिस आंसर। 12 माइनस 10, क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है 14000 रुपए, क्लोजिंग कैश बैलेंस इज 14000, ठीक है ना? एंड क्लोजिंग इक्विटी इज 12000, दिस क्लोजिंग इक्विटी 10000 का ओपनिंग, 2000 रुपए का प्रॉफिट, दिस वॉज 12000।